मैं सच कहूं जो 2014 में गोडजिला मूवी आई थी वो मुझे इतनी खास नहीं लगी थी, और यही बात 2019 में गोडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर नाम से जो मूवी आई थी वो भी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। क्योंकि यार इसके अंदर कहानी तो इतनी अच्छी होती नहीं, क्योंकि हम उससे इमोशनली टच नहीं हो पाते। ज़्यादातर फोकस उनका यही रहता है कि फाइटिंग सीक्वेंस के ऊपर है, और फाइटिंग सीक्वेंस से ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। और यही बात मैं कह सकता हूँ कि जो 2017 में कॉन्ग स्कल आइलैंड आई थी वो भी ठीक ठाक ही थी, मतलब एवरेज मूवी थी। लेकिन भाई साहब इस बार बात कुछ अलग है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा गोडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बारे में। अभी फिलहाल थिएटर के अंदर ये साइनम और गोडजिला वर्सेस कॉन्ग ये मूवी दोनों है वो लगी हुई थी। तो मैंने जब ऑडियंस का जिसमें कंपैरिजन देखा तो भाई साहब साइना की जो मूवी है, साइना नाम से जो मूवी है, उसके अंदर गिने चुने इक्का दुक्का लोग बैठे थे। लेकिन गोडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर इन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया ना कहानी को, जिस तरीके से मूवी बाहर आई है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में ये कामयाब हुई है। वैसे बॉलीवुड से उम्मीद भी क्या कर सकते हो, ये कचरा ही बनाएंगे, और इन्होंने वही चीज़ किया, मतलब उसी चीज़ में ये एक्सपर्ट है। खैर छोड़ो यार, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। अभी बात करते हैं गोडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की कहानी के बारे में। आपने जितना ट्रेलर में देखा कि कॉन्ग और गोडजिला एक दूसरे के दुश्मन है, 2019 में जो गोडजिला मूवी थी उसके अंदर गोडजिला को जो इंसानों को बचाता है, एक तरीके से हीरो बन के सामने आता है, वहीं इस मूवी में वो इंसानों को मार रहा है। वैसे इसके क्यों मार रहा है, इसके पीछे एक रीजन दिया गया है, वो जब आप ये मूवी देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। और कॉन्ग को एक ऐसी जगह रखा गया है कि गोडजिला को उसके बारे में पता ना चले, अगर पता चल गया तो गोडजिला वहां पहुंच जाएगा और दोनों में भयंकर लड़ाई होने वाली है। क्योंकि ये बहुत टाइम से, पूर्वजों के टाइम से ये दोनों हैं, इनकी दुश्मनी जारी रही है। अब यही सब चीजें आज की डेट में चल रही हैं इन दोनों के बीच में भी। लेकिन कुछ इंसानों जो अपने लालच के चलते कॉन्ग को बाहर निकालते हैं, एक्चुअल में वो लालच ही होता है, जब आप मूवी देखोगे तब अच्छे से समझ जाओगे। तब ये कॉन्ग को बाहर निकालते हैं और गोडजिला को पता चल जाता है, और गोडजिला जो पता चलता है भाई साहब पहुंच जाता है, और जिसमें कॉन्ग को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यार, एक तरीके से देखो मासूम सा प्यारा सा जानवर है यार, और प्यारा सा जानवर है तो इसके पास पावर भी बहुत कम ही है। एज कंपेयर टू अगर तुम इसको गोडजिला से कंपेयर करो तो भाई साहब ये एक नंबर का कमीना इंसान है गोडजिला जो है। इसके पास क्या क्या पावर नहीं है, पानी के अंदर सांस ले सकता है, इसके खुद की लेजर बीम है, शरीर देखो यार इसका गोडजिला के कंपैरिजन में बहुत हैवी है, तो एक तरीके से कमजोर ही दिखाया गया कॉन्ग को इसके अंदर। इस बार की जो मूवी है इसके अंदर फाइटिंग सीक्वेंस भाई साहब क्या कमाल के फाइटिंग सीक्वेंस है, विजुअल बहुत जबरदस्त विजुअल है, और कहानी भी उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए, सोने पर सुहागे वाली बात कर दी। जो आज तक जो मुझे कमियां लगी थी किसी भी टाइटन्स की मूवी के अंदर, गोडजिला होगी या फिर कॉन्ग स्कल होगी, जिसके अंदर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इतना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था, बिल्कुल अपोजिट रही है ये मूवी। कहानी बहुत अच्छी लगी, विजुअल बहुत अच्छे, फाइटिंग सीक्वेंस बहुत अच्छे, मतलब इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं इस मूवी में हम। एक सीन का अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जिसके अंदर गोडजिला जो है वो एक लेजर हिट करता है कॉन्ग के ऊपर, और जैसे वो कॉन्ग को हिट होती है और कॉन्ग नीचे गिरता है, भाई साहब गोडजिला ने जो स्माइल पास किया ना कमाल की, मैं जैसे उसने स्माइल दी ना मैं फिदा हो गया यार। मतलब पैसे वसूल क्या क्या दांतों की चमक थी गोडजिला के, पैसे वसूल मूवी मुझे लगी ये। यहाँ पर इस सीक्वेंस को देख, इस सीन को देखकर ही मुझे यार मतलब मुझे पसंद आ गई मूवी शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब ये आप लोगों को उठने नहीं देगी। क्या जबरदस्त विजुअल VFX कमाल के, और एंडिंग में आपको कुछ भी अगर थोड़ी बहुत कमी लग जाती है ना, इसकी एंडिंग की फाइट वो सारी कमी दूर कर देती है। और जिस तरीके से इन्होंने स्टोरी को कनेक्ट किया है इन दोनों के पूर्वज से, कि भैया ये दोनों है वो पूर्वज से ही दुश्मन है एक दूसरे के, और ये एक ही जिंदा रहेगा जब तक ये कोई ढेर नहीं हो जाता, ये लड़ते रहेंगे। और जो इन्होंने फाइटिंग जो लास्ट में जो ट्विस्ट डाला है यार, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके का निकल गया, और वो वास्तव में काफी ज्यादा अच्छा था। जो हम नहीं सोचते वो चीजें सामने आ जाती है, और जो एंडिंग होती है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई थी, और इमोशनली भी आप कनेक्ट हो पाओगे, इमोशनली कॉन्ग के प्रति भी आप लोगे यार बेचारा सा है, और सेम टू सेम आप फील करोगे गोडजिला के प्रति भी यार ऐसा क्यों। सच कहूं तो यार बताने का मन तो कर रहा है, लेकिन रिव्यू चैनल है, रिव्यू कर रहा हूं तो मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं। मूवी देखना तभी आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी, अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देखो,
जबरदस्त है यार, बहुत बढ़िया फाइट। मैं फिर से बता दूं यार, फाइटिंग सीक्वेंस जबरदस्त, विजुअल्स, जब आप विजुअल्स देखो ना यार, मतलब समझो यार जन्नत में पहुंच गए हो। कहानी भी इन्होंने जैसे कनेक्ट करके हमारे सामने रखी है, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मुझे इसमें स्ट्रोंग चीज जो मुझे लगी, एक तो एंडिंग वाला सीन जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंडिंग में जो फाइटिंग होती है और गॉडजिला की जो स्माइल है, मेन तो मुझे गॉडजिला की स्माइल ही सबसे अच्छी लगी। और फिर मैं कहूँ तो भाई साहब विजुअल जो है वो दूसरे नंबर पर रखूंगा, बहुत जबरदस्त विजुअल मुझे लगे। तो जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देखो यार, किस चीज का वेट है, मतलब एक तृप्ति मिल जाएगी आपकी आत्मा को एंटरटेनमेंट के नाम पर, बहुत जबरदस्त है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।